काना, तू इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता। मैं जानती तूने नहीं किया है। हाँ काना, और अभी अभी तो राधा ने कहा था कि यदि राधा ने कहा है तो सत्य ही होगा मैया। राधा अपने स्थान पर सत्य कह रही है मैया। राधा ने चंद्रावली को पूजा का प्रबंध करते हुए देखा था, किंतु ये भी सत्य है मैया कि तत्पश्चात मैंने भी कुछ पुष्प शिवलिंग पर अर्पित किए थे। और ये वही पुष्प है। ऐसे कैसे कर सकता है? सारी पूजा तो तू हमें बताता है, इतना बड़ा महापाप कैसे कर सकता है काना? तू नहीं कर सकता। नहीं, भूल मेरी है। मैं कृष्ण को उसका दंड कैसे पाने दूं? भूल मेरी है मैया, क्षमा कर दीजिए मुझे। क्या करूं, स्वभाव है मेरा, अपनों को बहुत कष्ट पहुंचाया है मैंने। स्वयं को छोड़कर दूसरों में विकार जो ढूंढता रहता हूं मैं, लापरवाह हूं मैं मैया। मैं क्या करूं, क्षमा कर दीजिए मुझे यदि हो सके तो। कृष्ण, वृंदावन हो या बरसाना, तुम सबके प्रिय, किंतु पुत्र आज तुमसे महापाप हुआ, इसका प्राश्चित करना अनिवार्य है। अन्यथा व्रत भंग और लिंग खंडित का प्रकोप तो तुम स्वयं ही देख रहे हो। उग्रपद जी, इसका प्राश्चित कैसे किया जाए? इसका प्राश्चित केवल यही है, कृष्ण को पवित्र यमुना में 100 डुबकियां लगाकर स्वयं को शुद्ध करना होगा। और बिना रुके पर्वत की पावन माटी से शिवलिंग का पुनः निर्माण करना होगा। और तब जाके ये पूजा संपन्न होगी। मेरा काना ऐसे कैसे कर सकता है? अंधेरे में वो यमुना में 100 डुबकी कैसे लगाएगा? और वो भी इतना बड़ा पहाड़ लांग कर, नहीं कर पाएगा मेरा काना। यशोदा भाभी, एक ही उपाय है इस प्राश्चित का, जो इसे करना होगा। किंतु बाबा, भूल और अपराध में अंतर होता है। एक भूल का दंड इतना कठोर नहीं होना चाहिए। मुझे ये दंड स्वीकार है। हे आराध्य देवी, राधा की परीक्षा का क्षण आ गया है। मैं आशा करता हूं कि वो इस विकार से मुक्त होकर स्वयं को इस संकट से उबारेंगी, अपनी अनंत शक्ति को जागृत कर पाएंगी। मैं भी महादेव। लगता है कि बहुत ही भयंकर बारिश होने वाली है।
श्री कृष्ण का यमुना में प्रवेश करना अत्यंत कठिन होगा। अब जब महापाप कर चुका हूं तो उसके प्रायश्चित से भय कैसा? नहीं, मैं कृष्ण को कुछ नहीं होने दूंगी। सबके समक्ष सत्य बताना ही होगा, चाहे जो भी हो। नहीं राधा, मैं तुम्हें ऐसा कदापि नहीं करने दूंगा। नहीं आए, इस समय मुझे मत रोको। मुझे सबके समक्ष अपना सत्य प्रकट करना ही होगा। किंतु पहले मेरी एक बात सुन लो राधा, और उसके पश्चात भी यदि तुम्हें ऐसा लगे कि यह सब अनुचित है तो जो चाहे करना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। कठिन परिस्थिति में मैं अपने कान्हा को अकेला नहीं छोड़ सकता। रुक जाओ बलराम, पाप कृष्ण से हुआ है और उसका प्रायश्चित भी उसे ही करना होगा। हे श्री कृष्ण, ये कैसी विचित्र और जटिल परीक्षा है प्रेम की, जिससे दो प्रेमी आप और देवी राधा एक हो पाएंगे। कृष्ण को दंड मिला और महादेव पृथ्वी से आ नहीं सकते। कैसे होगा इस समस्या का अंत? और बिना श्री कृष्ण की सहायता के मैं प्रेम का वो अनमोल मोती कैसे प्राप्त कर पाऊंगा जिससे पार्वती को मना सकूं? मोती पाने के लिए सागर में गहराई तक जाना होता है महादेव। प्रेम का मोती पाना है तो परीक्षाओं के समुद्र में गहरा जाना ही होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों तुम मुझे मेरा सत्य सबके सामने प्रकट नहीं करने दे रहे हो। इतना सब कुछ देखने के पश्चात भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा राधा? तुम्हें यह तो दिखाई दे रहा है कि उस कृष्ण के प्राण संकट में, किंतु ये दिखाई नहीं दे रहा कि उसने ये सारा का सारा संकट स्वयं पर क्यों मोल लिया। हमने सब कुछ उस चंद्रावली को फंसाने के लिए किया था राधा, और कृष्ण ने चंद्रावली के समक्ष एक ढाल बनकर सारा का सारा दोष स्वयं पर ले लिया राधा। क्यों क्यों किया उसने ऐसा? क्योंकि अब वो चंद्रावली के प्रेम में इतना मोहित हो गया है कि अपने प्राणों को भी दांव पर लगाने के लिए तत्पर है।